कुछ ऐसा ही हुआ हमारे प्यारे कमल हसन जी के साथ, जिस चीज को लेकर काफी लोग नाराज हैं। और भाई राघव जुयाल तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। और ये कुछ इसलिए भी है कि राघव जुयाल अभी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जब इंसान एक्टिंग में बहुत ज्यादा लीन होता है तो भाई वो कमल हसन की इज्जत ऑटोमेटिक करने लगता है, क्योंकि यार कमल हसन इज द वन जिसने ना एक्टिंग को बहुत ईजी कर दिया लोगों के लिए। इतने ज्यादा वर्सेटाइल कैरेक्टर और बता दिया कि भाई कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैं आपको पूरा माजरा समझाता हूँ कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, क्यों और किस लिए। देखिए कमल हसन जी की एक नई मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर शायद आपने देख लिया होगा। अगर मजेदार लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको विक्रम का ट्रेलर कैसा लगा। अब अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए आए हुए मुंबई कपिल शर्मा शो के ऊपर। सबसे पहले कमल हसन काफी सालों से अपनी मूवीज को प्रमोट नहीं कर रहे थे, बट ये मूवी यार प्रमोट करना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत मेहनत लगी है और भाई मूवी मेरे को बड़ी खतरनाक लग रही है। मूवी में यार एक से बढ़कर एक बहुत सारे सितारे हैं। और अब देखिए कमल हसन अपनी वैनिटी से बाहर आते हैं क्योंकि एक फोटोशूट किया जाना था जो कि कपिल शर्मा के साथ था, और वैनिटी से बाहर आ गए अकेले खड़े, अपना अकेले का फोटोशूट करवा लिया। उसके करीब करीब 10 मिनट बाद आते हैं कपिल शर्मा, वो आराम से खड़े हैं धूप में, एंड देन कपिल शर्मा कम्स, उनका फोटोशूट होता है एंड देन ही गोज। मतलब कि यार तुम इतने बड़े इंसान को वेट करा दे रहे हो। और गुस्सा इस बात को लेकर नहीं है, गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब अक्षय कुमार आता है ना तो ये लोग 4 बजे शूट करने आते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि भाई आराम से सारी चीजें हो जाएं। उस वक्त इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी आने में, उस वक्त इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट तक शूट करने में। व्हेन देयर इज अ कमल हसन तो भाई सारा इतना ड्रामा खेला गया। देखिए मैं आपको बता दूं अक्षय कुमार इज ऑल्सो गुड एक्टर, लेकिन अक्षय कुमार भी कहीं ना कहीं कमल हसन जी के फैन होंगे ही। देखिए जैसे अपने अमिताभ बच्चन जी है वैसे ही साउथ वालों के लिए कमल हसन है, नॉट जस्ट साउथ वालों के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कमल हसन की इज्जत कुछ ऐसी है। इस चीज को लेकर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, कपिल शर्मा की इवन ट्रोल भी करा जा रहा है। एंड देखिए मैं कपिल शर्मा कोई हेटर नहीं हूँ, मैं उसको गालियां पड़वाना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो फैन ऑफ कपिल शर्मा, आई लव हिज आर्ट, आई लव दैट मैन। जिस तरीके से वो नीचे से ऊपर उठे हैं भाई हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन यार थोड़ा ये आपको देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा है कौन, किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए और किस तरीके से आप कर रहे हैं। आई एम तो वेरी अपसेट। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है इस बारे में हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नए अपडेट्स के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।